जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित और सीएमएचओ डॉक्टर के सोनी ने आज रामनगर डिस्पेंसरी का दौरा कर व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित ने बताया कि कोरोना महामारी के विस्तार के साथ अजमेर जिले की समस्त डिस्पेंसरियों को स्क्रीनिंग और सैंपलिंग ज्यादा से ज्यादा करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसके बाद प्रत्येक क्षेत्र से कोरोना के सस्पेक्ट और संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर आ रही है। उन्होंने कहा कि इससे पैनिक होने की जरूरत नहीं है, लोगों को जांच के साथ पहले ही चरण में संक्रमित होने से रोका जा सके, इसीलिए यह पहल की गई है। अब कोरोना के लक्षण दिखने वाले सस्पेक्ट मरीज हॉस्पिटलों की जगह घर में ही होम और रूम क्वारंटीन किए जा रहे हैं। लोग सावधानी बरतें, इसके लिए बिना मास्क पहने घर से निकलने वालों के भी चालान किए जा रहे हैं। इसीलिए सुरक्षा और सावधानी बरतना आवश्यक है। लोग सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें, मास्क लगाएं और बार बार हाथों को सैनिटाइज करें, यह जरूरी है। कोविड-19 के संक्रमण में पिछले कुछ दिनों में जो स्ट्रेटेजी रिवाइज की है, उसमें मुख्यतः डिस्पेंसरी लेवल पे सैंपल कलेक्शन और डिस्पेंसरी पे ही लोगों को मॉनिटरिंग हो जाए। ज़्यादातर इसमें पूरे कंट्री वाइड वर्ल्ड वाइड बिना लक्षण वाले इन्फेक्टेड पर्सन ज़्यादा होते हैं, तो उनकी पहचान अर्ली स्टेज पे करना, यह लक्षण आने से पहले उसके लिए डिस्पेंसरी पे सैंपलिंग होती है और उनको होम आइसोलेशन रखने की प्रेफरेंस दी जाती है, क्योंकि उनमें कोई लक्षण नहीं होते, लक्षण अभी तक डेवलप नहीं हुए होते। उसी की मॉनिटरिंग के लिए पल्स ऑक्सीमीटर भी सबको घर घर दिए जा रहे हैं। अब जो संख्या आ रही है वो कोई पॉजिटिव इन्फेक्टेड कहीं हॉस्पिटल में कहीं नहीं जा रहे, ज़्यादातर जो संख्या है वो इसी तरह से सैंपलिंग से आ रही है। तो इसमें कोई पैनिक की बात नहीं है कि हॉस्पिटल में बहुत सारे लोग मरीज़ आ रहे हो, तो हॉस्पिटल का बर्डन पिछले 20-25 दिन से कोई कहीं पे भी नहीं बढ़ा है। जेएलएन में ज़्यादातर लोग डिस्पेंसरी में सैंपलिंग से ही पॉजिटिव आए और उनका वहीं पर ही घर पे ही होम आइसोलेशन चल रहा है। तो ये एक स्ट्रेटेजी का ही पार्ट है कि अर्ली स्टेज पे पॉजिटिव इन्फेक्टेड लोगों की पहचान की जा सके। अब और इसको सघन करते हुए डोर टू डोर स्क्रीनिंग कल से शुरू कराई जाएगी, जिसमें अर्ली आईएलआई के सिम्टम लोगों की पहचान की जा सके। ये मेडिकल टीम डोर टू डोर स्क्रीनिंग घरों से दोबारा शुरू करेगी और साथ के साथ पुलिस के द्वारा भी लगातार चालान की कार्रवाई मार्केट एरिया में शुरू की जाएगी। जो पहले देखा जाए तो कल परसों में 600 से अधिक चालान पुलिस के द्वारा भी काटे गए, नगर निगम भी लगातार चालान काट रही है, SDM तहसीलदार उनके द्वारा भी लगातार चालान काटे जाए।